વલસાડ જિલ્લાના ઉમરગામ તાલુકાના દહેરી ગામમાંથી મળી આવેલી યુવકની હત્યા પ્રકરણમાં વલસાડ જિલ્લા એલસીબી અને એસઓજી તેમજ ઉમરગામ પોલીસે સંયુક્ત રીતે તપાસ હાથ ધરી હત્યા કરનાર હત્યારા આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. ઉમરગામની નવી જીઆરસી વિસ્તારને અડીને આવેલ દહેરી ગામની હદમાંથી 5 દિવસ પહેલા ઓમપ્રકાશ હીરાલાલ પટેલ નામના યુવકની હત્યા કરાયેલી લાશ મળી આવી હતી. હત્યા પ્રકરણમાં પોલીસે આરોપી સત્યેન્દ્ર ઉર્ફે સચિન કેશવલાલ પાલની ધરપકડ કરી હતી. પોલીસની પૂછપરછમાં આરોપી સત્યેન્દ્ર ઉર્ફે સચિન પાલે અગાઉ ઉમરગામની એક કંપનીમાં કામ કરતો હતો. તે વખતે મરનાર ઓમપ્રકાશ પટેલે તેને નોકરીમાંથી કઢાવી મૂક્યો હતો. તેની અદાવતમાં તેણે ઓમપ્રકાશને દારૂ પીવાના બહાને લઈ જઈ તેને દારૂ પીવડાવ્યા બાદ તેને કોઈતાના ઘા ઝીકી હત્યા કરી નાખી હોવાની કબૂલાત કરી હતી. हाँ, इसके अंदर फिर जब हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद हमने आसपास उसका रहने का घर का है वहाँ पे छानबीन की, सब चीज़ें पता करवाई तो पता चला कि उसी की कंपनी में पहले कोई काम करता था जिसके साथ उसकी बोलचाल हुई थी और झगड़ा हुआ था और उसके बाद में उसको कंपनी से निकाल दिया गया था. तो इस वजह से जो आरोपी है वो उस टाइम से चाह रहा था कि वो उसको मार डाले. उसने पास्ट में भी एक दो बार सोचा था ऐसा करने का. जो आरोपी है उसका नाम सचिन है या फिर उसको दूसरा नाम भी है उसका सत्येंद्र, और वो भी यूपी का रहने वाला है. तो उसने उस दिन शाम को बुलाया बाहर और बाहर ले जाके कहीं पे उसको शराब पिलाई और उसके बाद जब शराब पीने के बाद में वो बेहोश टाइप का हो गया तो उसका मर्डर करके और लाश को साइड में डाल दिया. जो आरोपी पकड़ा गया है उसके पास्ट में कोई गुनाह हमें अभी तक नहीं मिले हैं, उसमें जाँच जारी है. और इसको जो नारियल काटने का कोयता जो आता है उससे उसके गले पे कट मारा है, उसके मुंह पे कट मारा है, उसके हाथ पे कट मारा है. बहुत ही बुरी तरह से मतलब हत्या की गई है उसकी. सत्येंद्र और ओम प्रकाश दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे. फिर ओम प्रकाश ने पहले उसकी कंपनी में वहाँ पे उसकी सैलरी कटवाई, उसके बाद उसको कंपनी से निकलवा दिया. उसके बाद में उसको ऐसा लगा सत्येंद्र को कि एक बार उसका एक्सीडेंट हुआ तो वो ओम प्रकाश ने करवाया था और उसको मारने की कोशिश की. इस वजह से उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जिससे की वजह से वो ठन गई उसके मन में कि मेरे को उसका मर्डर करना है, बदला लेना है. तो ये बदले की भावना से उसने फिर उसको पहले एक बार बुलाया था, होली पे भी बुलाया था, लेकिन उस टाइम कुछ कारण रहे जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं रहा. अभी उसने दोबारा उसको बुलाया और साथ में उसके साथ शराब पी और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया.